बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एंटेस्टेस मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने स्टीनो टाइपिस्ट का जो पेपर शुरू किया है उसी में पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज को हमल कर चुके हैं। इस वक्त पार्ट नंबर 4 पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ये पेपर एफबीआर के लिए कराची में स्टीनो टाइपिस का पेपर था, हो चुका है 9 मार्च 2023 को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से पाकिस्तान स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 61, विच जनरल इलेक्शन सॉ द लोवेस्ट वोटर टर्न आउट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हो चुके हैं, जनरल इलेक्शंस, तो कहते हैं कि सबसे कम टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब कि सबसे कम वोट्स किस में पड़े थे। ये 1997 की इलेक्शन थी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 62 देखे, जियारत इज फेमस फॉर रेजिडेंसी। जियारत बलूचिस्तान का एक खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी एरिया है, और यहां पर कायदे आजम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम यहां पर गुजारे थे, और यहां वहां पर जियारत में कायदे आजम की रेजिडेंसी भी है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, कोजक पास ये किला अब्दुल्ला और चमन को आपस में कनेक्ट करते हैं। किला अब्दुल्ला व चमन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947। सिंध यूनिवर्सिटी जो कि जामशोरो, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है, ये 1947 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, हु इज नोन एज फादर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। चीफ मार्शल मोहम्मद अजहर खान जो है उसी को फादर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हेन वाज द वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापडा जिसको कहते हैं, वापडा, ये भी देखें कि वापडा एब्रिविएशन है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा, कहते कि ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश 12 फरवरी 1958, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67, ममन डैम इज प्रोपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन स्वात रिवर। स्वात रिवर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखे, कान मेहतरजई, इट इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, ये भी याद रखें, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, कान मेहतरजई, कहते कि ये कहां पर है, इट इज नियर जोब, बलूचिस्तान में जोब के करीब है, जोब, इसको जोब पढ़ा जाता है, जोब नहीं जोब, जे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69, लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी। ये लियाकत बाग रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 को कत्ल कर दिए गए थे, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का पहला आईन जो कि 9 साल बाद बना था, पाकिस्तान के आजाद होने के बाद,
उसमें कौमी जुबान जो था वो उर्दू और बंगाल दोनों थे, चूंकि वक्त उस वक्त बंगाल और पाकिस्तान एक ही मुल्क था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान विद हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर 126 फारेनहाइट, जैकबाबाद है। ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 72, कुहाट टनल इज इन विच प्रोविंस, बलूचिस्तान में है कुहाट। ऑप्शन बी है। 73, द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सिंध असेंबली इज कॉल्ड व्हाट, पीएस, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 74 देखे, खेती बंदर इज अ स्मॉल टाउन इन सिंध एंड इट इज फेमस फॉर व्हाट, फिश हार्बर, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 देखे दोस्तों, 75, द तल मार्शल्ला रिजीम ऑफ जनरल मोहम्मद सियाउल हक सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इनिशियली, ऑप्शन डी सस्पेंडेड। और क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, 796.096 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 77 देखे, क्वेश्चन नंबर 77, सीनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, 100 मेंबर्स, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, द मोस्ट फ्रिशियस जिम स्टोन एमेराल्ड आर फाउंड इन सवात में पाया जाता है, ऑप्शन सी है। और 79 नंबर, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28, 1998 एट चागी हिल्स, ऑप्शन सी है। आखिरी क्वेश्चन देखे, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वॉज चेंज फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद इन 1959, ऑप्शन बी। तो ये तो दोस्तों पार्ट नंबर 4, और इसके बाद एक पार्ट आखिरी रहता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज की वीडियो को आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक भी करना है और शेयर भी करें, और इंशाल्लाह ताला इसको बाय पार्ट्स अपलोड करने के बाद पूरे पेपर को कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में भी अपलोड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।